मैंने अपूर्वानंद जी को आग्रह किया था कि मुझको पहले बोलने को कहें तो मुझे कहीं जाना है, टीवी पर जाना है, और कोई चाव से नहीं जाता हूँ। एक तो इसलिए चला जाता हूँ कि लोग आजकल जब कुछ नहीं होता विरोध करने के लिए तो ये कहते हैं कि आपका अखबार 5000 बिकता है या बंद होने वाला है, तो बैठे देख के लगता है कि शायद चल रहा होगा। और दूसरा, जैसा दौर है उस दौर में मुझको लगता है कि बोलने का जब भी मौका मिले जहां मिले अब बोलना चाहिए। मैंने निश्चय किया था कि आज मैं भावुक नहीं होऊंगा, हालांकि कई लोगों के चेहरे देख के मुझको अपने ऊपर कम एतबार होता है। फिर भी मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि हम लोग जो है जो चुनौती वक्त की है और जिसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे सामने खुर्शीद अनवर भी हैं। ये ठीक है, अपूर्वानंद जी ने कहा कि हमने उनके लेख छापे, पर लिखे उन्होंने थे और बड़े साहस के साथ लिखते थे। सुबह मैंने उनका एक गायत्री मंत्र का तर्जुमा ऐसे सोशल मीडिया पे साझा किया तो किसी ने कहा कि किसी इस्लामी इस्लाम के विद्वान को इसको दिखवा दीजिए, ये तो गैर इस्लामिक नजर आता है। वो तो होगा ही, खुर्शीद ने लिखा, खुर्शीद अपने आप को काफिर ही कहते थे और इस्लाम के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ कहना बल्कि गलत होगा, उसकी जो संकीर्णताएं हैं, जो कट्टरताएं हैं, उनके खिलाफ वो कमर कसे हुए थे और बगैर किसी संकोच के वहाबियत के खिलाफ इतना उन्होंने लिखा। शायद ही किसी ने हिम्मत की होगी लिखने की। तो हमारे लिखते थे और मैं खुश नसीब था कि वो हमारे अखबार में लिखते थे। लेकिन अब जिस दौर में देश प्रवेश कर गया तो उनकी जरूरत ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा गमगीन होने को मन करता है कि अब जब बोलने की जरूरत थी उन जैसे साहसी लोग जब नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि कभी मन होता है कहें कब दिखाई देते हैं, कभी कहना चाहता हूँ कि दिखाई नहीं देते। जब इमरजेंसी के बारे में लाल कृष्ण आडवाणी का जो मशहूर जुमला है कि जब लोगों को घुटने टेकने को कहा गया तो वो रेंगने लगे, ऐसा कुछ अभी तो कुछ कहा ही नहीं गया है। और फिर भी जो है जिनको बोलना चाहिए नहीं बोलते नजर आते हैं, और खुल्लम खुल्ला जो वैश्य ताकतें हैं वो सिर उठाती हैं, रहनुमाई करती हैं, उनके जिम्मे सत्ता चलाने वाले अपनी पूरी पार्टी सौंप देते हैं, वो आगे अपनी पार्टी कमान उन लोगों को सौंप देते हैं जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि एक हत्या होगी हम 10 करेंगे, एक बलात्कार होगा तब भी 10 करेंगे और पुलिस में थाने में नहीं जाएंगे। तो उस वक्त तो खून खोलना चाहिए कि हम आजाद मुल्क में हैं, कोई इमरजेंसी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है लोग सुन लेते हैं, बोलते नहीं। तो ऐसे में मैं सोचता हूँ कि अगर खुर्शीद होते, कायदे से तो हमको 150,000 खुर्शीदों की ज़रूरत थी, लेकिन एक अकेले भी होते तो मेरे जैसे आदमी को लगता कि हाँ फिर भी जो है कोई आवाज़ कहीं पे बुलंद है। और ऐसे में उनका न रहना उसालता है, तकलीफ देता है, और जिन परिस्थितियों में उनको जाना पड़ा वो जब जब याद करता हूँ तो और वो तकलीफ बढ़ती है। मैं षड्यंत्र की जो कहानियाँ होती हैं उनमें भरोसा नहीं करता हूँ, जिसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह कहते हैं, लेकिन फिर भी मुझको कई बार ये सोचने को मन करता है कि अचानक कैसे एक शरीफ आदमी के यहाँ, जिसके यहाँ मैं गया तो जाहिर है कि शरीफ ही थे, हम लोग अच्छी बातें ही करते थे, कभी मेरे ख्याल में झगड़े
एमपी की शायद ही बात हुई हो, न कभी उनके यहाँ कोई इस तरह की उत्तेजना हुई, उत्तेजित हो जाते थे वो, लेकिन बातचीत में उत्तेजित होना और बात है, लेकिन हिंसक उत्तेजना और होता है। ऐसा मैंने कभी ऐसा परिवेश किसी भी जगह, जब उनके साथ कहीं गए, वो हमारे घर आए, हम उनके यहाँ गए, तो कैसे एक शरीफ आदमी के घर अचानक कोई चला आता है जो पहले कभी नहीं आया, रात वहीं बिताता है, उसके बाद में नई कहानी जन्म लेती है, और उसके बाद में उनको बचाव की मुद्रा में आना पड़ता है। और पहली दफा हम देखते हैं कि जिसके ऊपर आरोप लगता है वो आदमी बार बार कहता है कि मेरे ऊपर मुकदमा कीजिए, पुलिस के पास जाइए, क्योंकि जैसे हालात हैं उसमें मुझको अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा। लेकिन कोई भी औपचारिक शिकायत मुकदमा दर्ज नहीं होता, और फिर अचानक एक ऐसा शख्स सामने आता है जो आरोपों को दर्ज करता है, अपने घर पे अदालत लगाता है, उसके बाद में अपने दोस्त के चैनल पर उसे चलवाता है। उसके कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि वो जिनको हमने एक प्रगतिशील विचार का समझा था, वो बिल्कुल दकियानुसी सांप्रदायिक राजनीतिक नेता के गोद में जाके बैठ जाता है। ये दूसरी बात है कि बाद में कुछ मिलता नहीं तो उधर भी आता है, और इतना एक जिसे कहना चाहिए कि मुहिम की तरह चलाता है, तब तो मुझे लगता है कि क्या कोई षड्यंत्र तो नहीं था, क्या था? और आज तक कोई चीज जो है वो निकल के सामने नहीं आई। उसके बाद तो मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस भी अपना काम कर रही थी, तो कुछ चीज सामने नहीं आती। कुछ हो तो सामने आएगा, लेकिन जो जैसे हुआ उसने तकलीफ पहुंचाई। और आपको याद होगा कि मैंने एक दफा जब प्रेस क्लब में आयोजन हुआ था, तब मैंने ये बात कही थी कि जब मधु किश्वर ने हमारे अखबार में एक लेख लिखा, खुद लिखा, तो हमारे कहने से तो कोई ऐसी बात लिखेगा नहीं, और उन्होंने ये लिखा कि मेरे भाई पर बलात्कार का आरोप लगा, और मेरा भाई शरीफ है, वो बलात्कार नहीं कर सकता, ये उनका लेख था, और ये मेरे भाई पे आरोप लगा जो गलत था, मैं पुलिस के पास गई, पुलिस को मैंने कहा कि झूठा आरोप है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, पुलिस नहीं मानी, पुलिस ने 15,000 रुपये मांगे, तो 10,000 रुपये दे करके अपने भाई को हमने पुलिस के चंगुल से छुड़ाया। तब एक टीवी चैनल की बहस में, क्योंकि वो आमने सामने हो गई थी, और उस वक्त खुर्शीद भाई जो है वो हमसे विदा हुए ही थे, तो चूंकि बधु सामने थी तो उनको मैंने कहा था कि, और बहुत मेरे ख्याल में गुस्से में भी नहीं कहा था, पर मैंने ये कहा था कि आपने हमारे ये लेख लिखा था, आपको याद होगा, तो आपके भाई बगैर किसी जांच के, चूंकि आपका भरोसा है इसलिए वो बेगुनाह थे, वो बलात्कार नहीं कर सकते थे, और एक व्यक्ति जिसकी समाज में इतनी इज्जत थी, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ इस तरह से कमर कस के बैठा था, जो धार्मिक ताकतों के खिलाफ इस तरीके से कमर कस के बैठा हुआ था कि हमने पहले कभी नहीं देखा, और हर मंच जो उसको मिलता था, वो सोशल मीडिया पर भी इतने सक्रिय थे, उस व्यक्ति के बारे में एक किसी अनजान शख्स ने, जिसको हम लोग नहीं जानते, और आके ऐसी बात कही जो और कहीं पे जहां पे कही जानी चाहिए वह नहीं कही, और आपने अपने घर पे अदालत लगाई, और आपने जगह जगह जाकर के ये कहा कि इस तरह से ये किया गया, तो ये तो दो चीजों के अंदर मतलब जो है वो कोई सामने नजर नहीं आता है, आपका दुराग्रह नजर आता है, तो गुस्सा उनको आया और वो माइक को उखाड़ करके और चले गए। इसी में उनका अपराध मुझे लगता है कि झलकता है, वरना संवाद करने वाले मैदान छोड़ के थोड़े चले जाते, फिरते हैं तब भी नहीं जाते। तो मेरा मन करता है सोचने का कि ये इसमें कुछ दाल में काला शायद हो। बहरहाल ये जो दो किताबें हैं, एक तो जनसत्ता में छपे हुए लेख हैं, और भी जगहों पे उन्होंने लिखा लिखे तो दो तीन लेख और भी हैं, और दूसरी किताब है, मैं मानता हूँ कि वो भी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है,
साहित्य से अदब से बड़ा करीबी रिश्ता खुर्शीद अनवर का था और खुद भी लिखते थे, लेकिन उन्होंने जो अनुवाद किए खासकर पाब्लो नेरुदा के नाज़िम हिकमत के, तो इतने अच्छे अनुवाद हैं कि मेरे जैसा आदमी जो दूसरी जुबानें नहीं जानता है तो उसको भरोसा नहीं होता कि मूल भी इतना खूबसूरत होगा। बहुत से अनुवाद हैं, मेरे ख्याल में सारे इसमें छप भी नहीं पाए होंगे, वो भी बड़ा काम है और उसको सामने लाने में भला श्रुति चतुर्वेदी जिनकी भी इसमें भूमिका रही और पूरी जो आईएसटी की टीम है मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये काम बड़ा किया है, और भी जो चीज़ें हैं उनको भी समेट करके सामने लाना चाहिए। मेरा पूरा भरोसा है कि बहुत सी चीज़ें उनकी बिखरी होंगी, बहुत व्यवस्थित व्यक्ति वो नहीं थे, चीज़ें आपको बिखरी हुई मिलेंगी और ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के लाते थे। मैं आपको बताऊंगा, एक दफ़ा उन्होंने मुझे फिराक गोरखपुरी की एक छोटी सी किताब जिसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं था, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ थी और कहीं से ढूंढ लाए और उसका उन्होंने मुझको एक प्रिंट आउट भेजा था। इस तरह से जो वो काम करते थे उस काम को आईएसटी जाहिर आगे बढ़ाएगा ही, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस मौके पे व्यक्तिगत तौर पर भी अनुभव करता हूँ कि मुझको ताकत मिलती है उनकी चीज़ें पढ़ करके, और ये मामूली बात नहीं कि इस दौर में जिसका मैंने जिक्र किया ऐसी आवाज़ हमको चाहिए। लोग चले जाते हैं और ये पुरानी बात है, आपने सुनी कि आप आदमी को मार सकते हैं विचार को नहीं मार सकते, तो उनके जो विचार हैं वो हमारे साथ में हैं और वो पहले आदमी नहीं हैं जिनको मारने की कोशिश जिनको मारा गया और उनके ये सोच करके कि उनके विचारों को भी हम लोग खत्म कर देंगे ऐसी कोशिश हुई। ऐसी कोशिश दुनिया में कई लोगों के साथ में हुई इन दिनों, तो बल्कि हमारे देश में गांधी जी के साथ में भी यही हो रहा, कितनी बार मारा गया और उसके बाद में फिर उनको तसल्ली नहीं होती और उनको झाड़ू थमाकर और सिर्फ एक सफाई का, जो कि अपने आप में बड़ा काम है जाहिर वो करते ही थे, लेकिन उसका उनको एक प्रतिनिधि बना करके, यानी आप एक तरीके से किसी व्यक्ति को जो सभी धर्मों में भाईचारे की बात करता था, जब हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे तब जान पे खेल करके उनको एक रखने की कोशिश करता था, सारा उसका जीवन वो कहता था कि मेरा जीवन ही संदेश है, वो अहिंसा की बात करता था, उसकी उन सारी चीज़ों को प्रेम को करुणा को अहिंसा को सत्य को और ग्राम्य जीवन को वो आपके 100 शहरों के सामने तो कहीं टिकने वाला विचार नहीं है, क्योंकि गांव की बात करने वाला विचार है, छोटी पूंजी की बात करने वाला विचार है, उसमें आपकी बड़ी पूंजी जो है वो कपती नहीं, तो कहीं पर भी आपका कोई लेना देना उस विचार के साथ में नहीं है। आपको एक विचार नजर आ गया झाड़ू लंबा सा हाथ में लेके और आपने कहा कि गांधी विचार जो है बड़ा प्रासंगिक है, जो गांधी का नाम भी नहीं जानते ठीक से, जो खादी पहनते नहीं खादी की बात करते हैं, वो लोग हमको गांधी विचार का उपदेश देते हैं जिनके लोग सरेआम खूनी दंगों को उकसाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, बचाते हैं और जेल से निकल के आने पे उनकी शोभा में समारोह आयोजित करते हैं। कितने लोग 67 लोग आए थे, उन 67 लोगों को मुजफ्फरपुर के दंगों में मुरादाबाद के दंगों में जिनको जेल हुई, जब बाहर निकल करके आए तो हमने खबर देखी कि उनका अभिनंदन किया जाएगा, सुन के हैरानी होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि दौर विकट है और ऐसे दौर की जो है वो कल्पना मैंने नहीं की थी और इस दौर में
एक बार फिर कहूंगा कि खुर्शीद अनवर और खुर्शीद अनवर जैसे तमाम क्रांतिकारी विचार रखने वाले लिखने वाले लोगों की प्रासंगिकता आज के वक्त बहुत बढ़ गई है और मैं कतई मानने को तैयार हूं कि किसी ने उनकी जान लेकर उनके विचार जो हैं उनको दफना दिया है। ये मुमकिन नहीं है, न कभी मुमकिन होता है। दसियों इसकी मिसाल हमको मिलती है और एक जिंदा मिसाल खुर्शीद अनवर खुद हैं और जितनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पे बैठे हैं वो इसका इसकी गवाह ही है कि हम लोग अपने बूते जो होता है उसको करने में कोई कसर नहीं रखेंगे और यही मेरे ख्याल में खुर्शीद अनवर की याद को जो है वो सही मायने में श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।